हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चेंज सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूँ, आपके जो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अगर ये जो है वीडियोज आपके हेल्पफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको अदर जो चैप्टर्स है उसके भी सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सके। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका नेम द फॉलोइंग वाले हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। तो जो एयर प्रेशर को जो यूज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र जो यूज किया जाता है उसे हम बैरोमीटर्स के रूप में जानते हैं। देन आपका जो सेकंड आता है द जोन ऑल्सो नॉन एज द डोलड्रम्स, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है उसे हम डोलड्रम्स के रूप में भी जानते हैं। देन आपका द ब्रिज दैट ब्लो ड्यूरिंग द डे इन कोस्टल एरियाज, तो जो कोस्टल एरियाज पर जो डे में जो ब्रिज जो ब्लो होता है उसे हम सी ब्रिज कहते हैं। देन आपका अ कूल ड्राई डस्टी विंड्स दैट ब्लो ओवर नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, तो ये आपका क्या है, हर्मटन है। देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट नंबर का द नेम द फॉलोइंग में द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड, तो जो विंड का जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो आपका एनेमोमीटर्स है। तो इस तरीके से ये आपके नेम द फॉलोइंग वाले। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है करेक्ट ऑप्शन जो सेकंड थर्ड जो कॉलम्स यहाँ पर कॉलम वाला ऑप्शन दिया है, विंड्स जो जहां से ब्लो होता है और किस ओर जो ब्लो होता है तो आपको बताने हैं। सो चलिए इसका आंसर हम देखें। सो आंसर में आपके विंड जो ट्रेड विंड्स है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर आपका क्या होता है ब्लो होता है बहते है। देन वेस्टलाइज है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर की ओर, और जो पोलार विंड्स है वो पोलार हाई प्रेशर से सब पोलार लो प्रेशर की ओर ब्लो होता है। तो ये आपके जो सेकंड जो क्वेश्चंस के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किसमें जो है मेजर करते हैं, तो पर ग्राम में, किलोग्राम पर मीटर में, या फिर मिली बार में, या फिर आपके मीटर पर सेकंड में, तो वो होता है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मिली बार में, जिसे हम एमबी के रूप में भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन सेकंड आता है आपका द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट चेन्नई इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हिल स्टेशन ऊटी, चूज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो यहाँ पर जो है चेन्नई में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऊटी से ज्यादा होता है, तो ऐसा रीजन बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो ऑप्शन है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होते जाता है, मीन्स कम होते जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का वी कैन इन्फेयर फ्रॉम दिस चैप्टर दैट विंड्स आर डिफ्लेक्टेड बिकॉज, विंड का जो डिफ्लेक्शन है मीन्स जो विंड का जो चेंज होता है रास्ते, तो उसका जो रीजन है कि ग्रेविटेशन फोर्स के, या फिर जो अर्थ के जो एक्सिस जो टिल्ट्स है, या फिर ऑफ द कोरिओलिस फोर्स के कारण से, या फिर डी है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोरिओलिस जो फोर्स है उसके कारण से विंड्स है वो डिफ्लेक्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का प्रिवेलिंग विंड्स ब्लो, प्रिवेलिंग विंड्स कहाँ पर ब्लो होता है, सो या फिर वो कब होता है, तो वो जो है थ्रू आउट द ईयर्स इन सेम डायरेक्शन, ये ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर आता है आपका स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जहां पर एसरेशन और रीजन मिलेगा। जैसा आपको पता है कि इसमें दो दोनों है, एसरेशन और रीजन है, आपको डिस्टेंस करने हैं फिर आपके ऑप्शन चूज करने हैं। तो इस रेशन में आप देखोगे तो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है वो ब्लो होते हैं साउथ वेस्ट मानसून के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और रीजन इसमें बताया गया कि जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स गेट वेट डाउन बाय द कॉपियस अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर दे गैदर एज दे ब्लो ओवर द इंडियन ओशियंस एंड कैन नो लॉन्गर ब्लो टूवर्ड्स द ईस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन डिफरेंट फोर ऑप्शन है, तो इसमें से ए ऑप्शन है एसरेशन है वही ट्रू है, और जो रीजन है वो जनरली वो क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स आप देखोगे तो जो इंडियंस जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है वही जो है इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून के रूप में ब्लो होता है, बट ये क्या है कि जो साउथ ईस्ट जो मानसून वाला जो ऑप्शन जो है वे डाउन जो कॉपियस अमाउंट जो है कहाँ से इंडियन ओशियन से लेता है, और नो लॉन्गर ब्लो टूवर्ड्स द ईस्ट बोला गया, तो ऐसा नहीं है वो ईस्ट की ओर ही ब्लो होता है। नेक्स्ट आएगा आपका सिक्स नंबर का जो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द विंड्स इंडिकेट बाय द एरोज, यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिखाई दे तो ये जो विंड्स जो ब्लो हो रहे हैं वो कौन से है, तो यहाँ पर डिफरेंट आपके ऑप्शन स्टरलाइज द चीनू या फिर द
हंड्रेड्स, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा द चिनूक विंड्स हैं। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर देने हैं, बट कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एकदम शॉर्ट में वन लाइन टू लाइन में आंसर नहीं बन पाता है। फर्स्ट आता है आपका व्हाई डू वी नॉट फील द एटमोस्फेरिक प्रेशर वेइंग डाउन ऑन अस, मींस हमें जो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है तो वो हमें फील क्यों नहीं होता है। सो आंसर आप देखेंगे तो वी डू नॉट फील द प्रेशर ऑफ एयर वेइंग डाउन ऑन अस बिकॉज व्हेन एयर प्रेसेस ऑन आवर बॉडीज द ब्लड इन आवर बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल आउटवर्ड प्रेशर ऑन काउंटर प्रेशर ऑन द एयर। जैसे ही जो हमें फील क्यों नहीं होता, तो उसका जो रीजन है कि भाई जो एयर का जो प्रेशर जितना हमारे बॉडी पर लगता है उतना ही जो प्रेशर है हमारा जो ब्लड है वो भी एक्सर्ट करता है, मतलब हमारा ब्लड का प्रेशर उतना होता है, इस कारण से हमें जो है एयर का जो प्रेशर है वो फील नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पता है कि भाई आप क्वेश्चन में से ही आंसर एक लाइन जो है आप नोट डाउन करेंगे, बिकॉज तक आप भी नोट डाउन करेंगे, फिर भी आपके टीचर्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ मार्क्स आपको देने का प्रयास करेंगे। सो आप क्वेश्चन में से ही आंसर जो है नोट डाउन करना सीखिए। देन सेकंड आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर बेल्ट एंड द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सो आंसर हम देखते हैं, सो द प्रेशर बेल्ट फॉलो द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो प्रेशर जो उसका जो मोमेंट्स है प्रेशर बेल्ट का अपेरेंट जो मोमेंट्स वो सन के कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसका जो मोमेंट्स है वो हमें देखने को मिलता है। कैसे, एज द सन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द बेल्ट आल्सो मूव नॉर्थवर्ड। मींस जो सन का जो मोमेंट्स है वो सन का जो अपीयरेंस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर होता है, तो जो प्रेशर बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड नॉर्थ की ओर मूव करने लगता है। उसी तरीके से एज द सन अपीयर टू मूव साउथवर्ड टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द प्रेशर बेल्ट मूव साउथवर्ड टू। मींस जो सन का जो मोमेंट्स है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर होने लगता है, साउथवर्ड होने लगता है, तो उसी तरीके से जो प्रेशर बेल्ट है वो भी साउथवर्ड मूव करने लगता है। देन थर्ड क्वेश्चन आपका था इन अर्लियर टाइम्स व्हाई डिड सेलर ट्राई टू अवॉइड सेलिंग बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ पैरेलल्स। मतलब जो सेलर जो नाविक होते थे तो वो जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है पैरेलल्स है उसके बीच वो जो है उनका जो वो नाव चलाना अवॉइड करते, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो लिटिल आर नो सरफेस विंड्स ब्लो इन दिस रीजन इन द अर्लियर टाइम व्हेन शिप्स नीडेड स्ट्रॉन्ग विंड्स टू कैरी देम टू देयर डेस्टिनेशंस द सेलर यूज्ड टू ट्राई हार्ड टू अवॉइड द डोलड्रम्स एज दे कुड बी स्ट्रैंडेड फॉर मंथ इन द कैम वाटर ऑफ द इक्वेटोरियल ओशियंस। मतलब जो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो पैरेलल्स है उसके पास में जो विंड्स है सरफेस विंड्स है वो ब्लो ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई उस समय पहले के टाइम में जो ऐसे जो स्पीड जो पावर बोट नहीं हुआ करते थे, जो जो नाविक होते थे सैलर्स थे वो जो जो हवा जो बहती थी उसी के माध्यम से अपने जो डेस्टिनेशन मतलब अपने जो जगह है वहां पर पहुंचते थे, तो डोलड्रम के कारण से जो हवा का जो बहाव है यहाँ पर शांत हो जाता था, हवा जो है यहाँ पर ब्लो ही नहीं होती थी, इससे जो है नाव जो है वो उसी जगह पर स्थिर रहता था। तो इस कारण से जो सेलर है वो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो पैरेलल्स है उसको अवॉइड करते थे। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है बाय व्हाट डिफरेंट नेम्स आर द वेस्टर्नाइज्ड नॉर्म बिटवीन द 40 डिग्रीज एंड 70 डिग्री साउथ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड वाई। सो जो ये जो वेस्टर्नाइज्ड है उनको 40 डिग्रीज और 70 डिग्री साउथ में किस नाम से लैटिट्यूड्स में किस नाम से जाना जाता है और क्यों, तो आंसर देखोगे द वेस्टर्नाइज आर नॉन एज द रोरिंग 40s इन द 40 डिग्री बेल्ट एंड द फ्यूरियस 50s इन द 50 डिग्री बेल्ट एंड एज द स्क्रैचिंग 60s इन द 60 डिग्री बेल्ट। दे आर नेम्ड सो बिकॉज द वेस्टर्नाइज ब्लो विथ ग्रेट फोर्स बिटवीन द 70 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज एंड द 70 डिग्रीज बेल्ट एज देयर आर नो लैंड मासेस हियर टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द विंड्स। मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो वेस्टर्नाइज है उनको जो क्या है कि सब साउथर्न सदर्न जो हेमिस्फीयर है तो वहां पर जो 40 डिग्री बेल्ट से लेकर आपके जो 60-70 डिग्री बेल्ट तक जो है डिफरेंट नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर कोई लैंड मास नहीं है। इस कारण से जो विंड्स है वेस्टर्नाइज है वो बहुत तेज गति से ब्लो होती है, तो 40 डिग्री बेल्ट्स में उसके रोरिंग 40s फ्यूरियस जो 50s है 50 डिग्री बेल्ट्स पर, स्क्रैचिंग 60s है वो 60 डिग्री बेल्ट्स पर नाम से जाना जाता है।
देन नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर का, राइट अ नोट ऑन द हॉट ड्राई एंड डस्टी लोकल विंड दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑन इंडियन ड्यूरिंग द समर मंथ। मीन जो समर मंथ में जो हॉट ड्राई और डस्टी जो लोकल विंड ब्लो होते हैं उसके किस नाम से जाना जाए, तो उसके बारे में नोट डाउन करने हैं। सो आंसर द लू इज अ हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ। मतलब जो जो ये जो हॉट ड्राई और डस्टी विंड ब्लो होते हैं उसे हम लू के नाम से जानते हैं, जो जनरली जो समर मंथ में जो है समर सीजन में नॉर्दर्न प्लेन एरिया पर ब्लो होता है। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैरीज द सैंड ऑफ द डिजर्ट राइट अप टू द एलुवियल प्लेन ऑफ द गंगा। मतलब ये जो इसके जो ओरिजिनेट, मतलब ये जो शुरुआत राजस्थान का जो डिजर्ट एरिया वहां से वो स्टार्ट होता है और वो जो सैंड है डस्ट है उसको कैरी कहां पर एलुवियल जो प्लेन एरिया है गंगा तक वहां तक चला जाता है, तो इसे हम लू के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो डिटेल वाले क्वेश्चन है डिटेल में आंसर देने हैं। फर्स्ट आप देखेंगे इसमें विच आर द थ्री मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कौन कौन से वो थ्री जो फैक्टर्स है। तो फर्स्ट आएगा आपका द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एयर प्रेशर, आ रही है आपको जो क्वेश्चन में से है ना, द थ्री या कर सकते हैं या फिर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर लगा देंगे, फिर आप नोट डाउन करेंगे। एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड्स क्या है, तो एयर प्रेशर इज द हाइएस्ट एट द मेन सी लेवल एंड डिक्रीजेस with increasing height because the atmosphere become thinner in the upper layers। मतलब altitudes जैसे जैसे height बढ़ते जाता है तो air जो pressure है वो धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि air की जो density है thinner होने लगता है इस कारण से। Then second इसमें आता है the air temperature। Air temperature, air pressure is affected by the temperature of the atmosphere। Cold air exert greater pressure as it is हैवियर। मतलब जो एयर प्रेशर के कारण से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि जो कोल्ड एयर है वो ज्यादा प्रेशर देता है एटमॉस्फेयर में मुकाबले आपके जो हॉट एयर है उसके मुकाबले, एयर प्रेशर कोल्ड में एयर में ज्यादा होता है। देन आपका मॉइस्चर कॉन्टेंट, जो थर्ड जो मेन जो फैक्टर्स है उसमें आप देख सकते हैं एयर लेडन विथ मॉइस्चर इज लाइटर एंड देयर फॉर एक्सर्ट लेस प्रेशर as molecules of water vapors are lighter than molecules of oxygen or nitrogen that makes the air around us। मतलब moisture जो contents air जो में जो moisture होता है उसके कारण से भी जो air pressure है वो effect होता है क्योंकि जो moisture जो air है वो कम pressure होता है, less pressure होता है। क्यों? क्योंकि जो water जो molecules है वो कहीं ना कहीं हल्का होता है किसके मुकाबले, oxygen या फिर nitrogen के molecules है उसके मुकाबले, तो इस कारण से जो मॉइस्चर कंटेंट्स है वो भी इफेक्ट डालता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। देन सेकंड आप देखेंगे नेम द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ दे आर रिलेटेड टू द परमानेंट बीच। तो जो प्रेशर बेल्ट है उसके नाम नोट डाउन करने हैं, डायग्राम बनाने हैं और इसको रिलेट करना है परमानेंट विंड से। तो चलिए हम जो देखते हैं आंसर, तो जो फोर जो मेजर परमानेंट जो प्रेशर बेल्ट है वर्ल्ड का वो है आपका द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और जिसे हम ITCZ के रूप में जानते हैं, देन जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, देन द सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट एंड द पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से ये जो फोर जो मेजर जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट है, अब इससे रिलेटेड जो हम इसको रिलेट करें परमानेंट विंड से, सो द प्रेशर बेल्ट एंड द परमानेंट विंड्स आर क्लोजली रिलेटेड। दोनों आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? द प्रेशर डिफरेंटेड बिटवीन द बेल्ट क्रिएट द फोर्स दैट ड्राइव्स द विंड्स। फॉर एग्जाम्पल द लो प्रेशर एट द इक्वेटोरियल अट्रैक्ट्स एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स रिजल्टिंग इन द ट्रेड विंड्स। सिमिलरली द प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ड्राइव द वेस्टलाइज। मतलब जो प्रेशर बेल्ट और जो परमानेंट विंड्स है दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? सो द प्रेशर जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है कि जो विंड्स है उसको ड्राइव उसको एक दूसरे की ओर ब्लो होने में वो क्या करता है, मदद करता है। लो प्रेशर जो बेल्ट है वो क्या करता है, इक्वेटोरियल जो अट्रैक्ट करता है किसको, हायर जो प्रेशर सब ट्रॉपिकल बेल्ट है उसको, उससे क्या होता है ट्रेड विंड्स है वो ब्लो होता है जो परमानेंट जो विंड्स है वो। उसी तरीके से आप जो देखोगे तो सब पूरा लो प्रेशर बेल्ट है वो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट है उसको अपने ओर आकर्षित करता है, इससे क्या होता है वेस्टलाइज है वो ब्लो होता है। तो इस तरीके से ये आपस में है और इससे हम रिलेटेड आपको ये जो डायग्राम्स है वो हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पोलार स्टलाइज सब पोलार लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये आपको डिफरेंट डायग्राम्स है वो आपके नजर आ रहे हैं।
नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, द फ्लो ऑफ विंड्स वुड हैव बीन स्टेड हैव इट नॉट बीन फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डू यू एग्री वैलिडेट यूर आंसर। मतलब जो विंड जो फ्लो होता है सो इससे रिलेटेड आपको जो अर्थ का जो रोटेशन उसका जो इफेक्ट है वो रिलेट करने हमें, तो आंसर देखिए यस आई एग्री, ऑल विंड्स इनवेरिएबली मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। मतलब यहां पर जो क्या होता है कि जो एयर का जो प्रेशर है हमें पता है कि भाई जो एरिया जो एयर है वो ब्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, तो हैड द अर्थ बीन स्टेशनरी दे वुड हैव मूव्ड स्ट्रेट अहेड, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन द विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड। मतलब जो स्ट्रेट वो जो है क्या होता है कि जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके कारण से भी विंड्स है वो डिफ्लेक्ट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरिओलिस फोर्स, द कोरिओलिस फोर्स इज एक्सप्लेन बाय द फेरस लॉ विच स्टेट दैट फ्रीली मूविंग बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स ये जो कोरिओलिस जो फोर्स लगता है तो उसको जो हम एक्सप्लेन जो फेरस लॉ है उसके द्वारा किया जाता है, तो वो बताते हैं कि भाई कोई भी जो फ्रीली जो मूविंग बॉडीज है वो अर्थ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो वो क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और आपके जो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर आप देखोगे तो वो लेफ्ट की ओर क्या हो जाता है डिफ्लेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, द मानसून विंड्स इन इंडिया आर परमानेंट विंड बिकॉज दे ब्लो विदाउट फेल एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर और डे, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। मतलब यहाँ पर इंडिया में जो मानसून विंड ब्लो होता है उसे हम परमानेंट विंड्स कह सकते हैं क्या, तो इसमें आपको बताने हैं कि वो एक्चुअली में वो करेक्ट है कि नहीं है, और इससे रिलेटेड आंसर भी आपको देने हैं जस्टिफाइड करने हैं आंसर को। सो नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब ये जो मानसून विंड परमानेंट कोई करेक्ट नहीं है, क्यों, परमानेंट विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर कॉन्स्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन, ऑन द अदर हैंड पीरियोडिक विंड्स ब्लो विदाउट फेल एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर और अ डे बट दे डू नॉट ब्लो परमानेंटली लाइक द प्लेनेटरी विंड्स। मतलब जो परमानेंट विंड्स है वो पूरे साल भर हमेशा सेम डायरेक्शन में ब्लो करते रहते हैं, बट जो पीरियोडिक विंड्स है वो क्या होता है कि वो बिना किसी फेलियर के वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में कोई डे में वो ब्लो होता है। सो इस कारण से हम जो है क्या कहेंगे, सो मानसून विंड्स आर अ रिलायबल एंड अ प्रेडिक्टेबल फिनोमिनन, दे आर नॉट परमानेंट इन द सेंस दैट दे ऑलवेज ब्लो विदाउट इंटरप्शंस, दे आर सीजनल विंड्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स एंड कैन एक्सपीरियंस वेरिएशंस इन देयर इंटेंसिटीज एंड टाइमिंग। मतलब मानसून विंड्स है वो क्या होता है वो पर्टिकुलर टाइम में या फिर पर्टिकुलर जो डे में तो ब्लो होता है बट थ्रू आउट नहीं होता, और उसमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं इन्फ्लुएंसेस के कारण से उसका जो क्या है उसका जो इंटेंसिटीज है उसकी जो टाइमिंग है वो जो है चेंज होते रहता है, इस कारण से हम इसको परमानेंट विंड्स नहीं कह सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज ब्लो इन कोस्टल एरियाज, तो डायग्राम के साथ आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में बताने हैं। आंसर देखिए, लैंड एंड सी ब्रिज ब्लो अलोंग कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम, द लैंड अलोंग द कोस्ट गेट्स हीटेड फास्टर देन द सीज, एज अ रिजल्ट हाई प्रेशर प्रिवेल ओवर द सी एंड लो प्रेशर ओवर द लैंड, देयरफॉर द विंड ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। देन एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी, the area of high pressure shift to the over the lands since the sea takes a long time to cool down and is therefore still relatively warm, low pressure prevail over it, therefore the winds blow from the land to the sea, this is known as a land breeze। अब इसको डायग्राम के समझिए कि क्या होता है सी ब्रिज और आपके लैंड ब्रिज। लैंड क्या होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, सो क्या होता है कि भाई हमें पता है कि जो ये आपका जो एयर है वो हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर की ओर क्या होता है ब्लो होता है। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका जो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो जो हवा है वो आप देख रहे हो वार्म एयर फ्रॉम लैंड से जो है आपके कोल्ड एयर जो है इस ओर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो हो रहा है, लैंड ब्रिज में जस्ट अपोजिट हो जाता है, लैंड एरिया जल्दी ठंडा हो गया और ये जो एरिया है वो गर्म है, इससे क्या होता है कि भाई जो वार्म हवा है जो कहां से
जो आपके जो सी है वहां से लैंड की ओर ब्लो होता है। तो ये जो है डायग्राम के हेल्प थ्रू आप ये ड्रा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है और उसी से रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी में से आप जो है सर्च करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है डायरेक्टली इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इसमें आता है व्हाट आर विंड टर्बाइन, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दे हार्नेस द पावर ऑफ विंड्स। तो विंड टर्बाइन से रिलेटेड क्वेश्चन ये पैराग्राफ से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। विंड टर्बाइन आर मशीन दैट हार्नेस विंड पावर। अ विंड टर्बाइन इज अ टॉल टावर विद ब्लेड्स दैट आर कनेक्टेड टू अ शाफ्ट। व्हेन विंड्स कॉज द ब्लेड्स टू मूव दे टर्न द शाफ्ट इज कनेक्टेड to a generate that convert mechanical energy to electric energy। मतलब wind turbine आपको जो image में आपको देखने को मिलेगा वहां पर आप देखेंगे तो जो turbine है वो जो बड़े बड़े blades लगे होते हैं, जैसे blades घूमते हैं तो turbine घूमता है हवा के कारण से और उससे जो है energy जो है generate होता है, mechanical energy को हम electric energy में convert करते हैं। Second, what is the difference between onshore and offshore winds power? So when winds power is generated by wind turbine on land, it is known as a onshore wind power. When wind power is generated by wind turbine located on water bodies like seas, it is known as the offshore winds power. मतलब दो चीज है, टर्बाइन जो है लैंड एरिया पर लगा है, विंड टर्बाइन, तो उसे हम ऑनशोर विंड पावर कहते हैं या फिर विंड सोर्स कहते हैं, और जो वाटर बॉडी सीज वगैरह में लगा हुआ है तो उसे हम ऑफशोर विंड पावर कहते हैं। देन व्हेन एंड वेयर वेयर द फर्स्ट विंड फार्म सेट अप इन इंडिया, हाउ डू यू थिंक द इंक्रीजिंग यूज ऑफ विंड पावर विल इम्पैक्ट इंडियाज एनवायरमेंट इन द फ्यूचर्स। तो कहां पर फर्स्ट जो विंड फार्म्स का यूज किया गया था, सो इन 1986 द फर्स्ट विंड टर्बाइन्स वेयर सेट अप इन द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। मतलब महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी, गुजरात का ओखा और तमिलनाडु का जो है तुतीकोरिन जो एरिया है वहां पर जो विंड टर्बाइन है वो यूज सेटअप किया गया था। इंक्रीज यूज ऑफ विंड पावर विल हैव द एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया टू बिकम क्लियर एंड ग्रीनर एज विंड पावर इज सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा विंड पावर जो यूज किया जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और हमारा एनवायरनमेंट क्लीनर और ग्रीनर होगा, हरा भरा रहेगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नए वीडियोज के जो ऑन टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।